सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और उसके पास ही घंटी का बटन दिखता है उसे जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों दोस्तों तुमने तो आपने देख ही लिया होगा, जियो दोस्तों नंबर वन बन चुका है। बीएसएनएल को, आइडिया को, वोडाफोन को, रेटेल को पछाड़ के नंबर वन पोजीशन पे आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले एक दोस्तों रिसर्च एजेंसी है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जिसकी दोस्तों एक नई रिपोर्ट आई रिसर्च की, उसके मुताबिक जियो जो है दोस्तों सब्सक्राइबर ग्रोथ में और दोस्तों कंटिन्यूसली नंबर वन पे बना हुआ है दोस्तों इस क्वार्टर में भी। तो इसके बारे में बात करेंगे, इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन सी रिपोर्ट है दोस्तों, जियो किस मायने में नंबर वन बना दोस्तों। तो अगर आप जियो के सब्सक्राइबर तो आपके लिए दोस्तों एक खुशखबरी, तो प्लीज इस वीडियो को आने वाले 5 मिनट के लिए जरूर देखिए। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो चलिए बड़ा पट्टे शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। बताया कि दोस्तों एक एजेंसी हिंदुस्तान की दोस्तों इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च दोस्तों ये रिसर्च करती है, इनकी पूरी रेटिंग्स देती है अलग-अलग टेलीकॉम कंपनीज को और इस पैरामीटर्स में दोस्तों ये मार्केट के अंदर देखते हैं दोस्तों सब्सक्राइबर कितने हैं, किस कंपनी के कितने सब्सक्राइबर ज्यादा बड़े हैं, सब्सक्राइबर मार्केट शेयर कितना बड़ा दोस्तों, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर कितने बड़े हैं, डेटा यूजर्स कितना दोस्तों, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एक पर क्लाइंट पे, एक पर कस्टमर पे कितना एवरेज रेवेन्यू हर कंपनी कमा रही है, इन सारे पैरामीटर्स को जोड़ते हुए दोस्तों ये रेटिंग्स देती है कौन सी कंपनी कितने पायदान पे है, कौन से पायदान पे है। इन सभी को देखते हुए जियो जो है दोस्तों नंबर वन पे है दोस्तों, उसने वोडाफोन को, आइडिया को, एयरटेल को, बीएसएनएल को बीट करते हुए नंबर वन पे आ चुका दोस्तों। डिटेल में बात करते हैं कि एजेंसी जो है दोस्तों इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ये किस तरह से काम करती है दोस्तों, ये रेटिंग्स किस तरह से मिली है। तो जियो की बात कर ले दोस्तों, जियो जो है कंटिन्यूसली एक स्टेडी सब्सक्राइबर ग्रोथ देता हुआ दोस्तों, पिछले आप देखेंगे पिछले कुछ 6-8 महीने और मतलब पूरे एक साल की बात कर लीजिए तो जियो जो है दोस्तों कंटिन्यूसली अपने सब्सक्राइबर ग्रोथ को बनाया हुआ दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अगस्त 2018 की बात कर लीजिए तो 9.8 मिलियन यहाँ पे वायरलेस सब्सक्राइबर थे दोस्तों जियो के, जो अच्छी खासी ग्रोथ बोली जाती है। और दोस्तों ये ऐड किए गए थे टेलीकॉम सेक्टर में। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अगर जियो स्ट्रॉन्गली जो है दोस्तों उसकी जो ट्रेमेंडसली है ना मतलब रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे ग्रोथ का सब्सक्राइबर्स का, और सडनली दोस्तों 12.2 मिलियन सब्सक्राइबर दोस्तों उसने और ऐड कर लिया। उसके बाद देख इसका जो कारण था दोस्तों 12.2 जो एडिशनल उसने ऐड करे, इसका रीजन ये था कि जो बजट फोन उन्होंने लॉन्च किए थे जियो फोन 1 जियो फोन 2 दोस्तों, उसके हिसाब से 4G मार्केट के अंदर इसका मार्केट में धूम हो गया था दोस्तों। वायरलेस सेगमेंट जो है दोस्तों यहां पे उसके अंदर जियो जो है टॉप मोस्ट लीड कर रहा है, उसकी जो कंटिन्यूसली सस्टेनेबल ग्रोथ है तो दोस्तों वो आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं दूसरी जो कंपनी जो दोस्तों वो फ्लैट हो गई है, मतलब एकदम ज्यादा ग्रोथ भी नहीं है लेकिन कुछ तो दोस्तों डिक्लाइन भी हुई है। अब बात करते हैं जैसे कि एयरसेल की, तो एयरसेल जो है दोस्तों उसमें कोई भी कुछ भी नहीं, अप्रैल 2018 के पास कोई भी चीज रिपोर्ट नहीं है, बिकॉज उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि एयरटेल ने मोस्टली इसकी सर्विसेज बंद कर दी। इसका रीजन ये है कि एयरसेल जो है दोस्तों उसके सारे के सारे सब्सक्राइबर जो है वो स्विच करके एमएनपी करके एयरटेल वोडाफोन जियो में जा चुके हैं। तो एयरसेल के लिए दोस्तों एयरसेल के जो सब्सक्राइबर थे जो कस्टमर थे उनके लिए दोपहरी खबर है कि 2018 अप्रैल के बाद वो कोई भी फ्लैट है दोस्तों, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्होंने सारी सर्विसेज बंद कर दी थी। तो ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेडी जो ग्रोथ यहाँ पे मिला दोस्तों, मैक्सिमम मार्केट शेयर जो है दोस्तों वायरलेस डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे जियो को मिला है, उसका सबसे बड़ी चीज अगस्त 2018 के अंदर इनका 20.5 था दोस्तों, 20.5% दोस्तों मार्केट के अंदर जो इनका सब्सक्राइबर ग्रोथ है दोस्तों, सब्सक्राइबर कितने उसके हिसाब से 20.5% मार्केट के अंदर यहाँ पे अगस्त 2018 में यहाँ पे जियो का था दोस्तों। उसके साथ जुलाई 2018 की बात कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 19.6% इनका मार्केट कैप था दोस्तों, जो इनके सब्सक्राइबर इतने थे दोस्तों थोड़े से कम थे जुलाई के अंदर, लेकिन उसके बाद दोस्तों इंक्रीज किया दोस्तों फर्दर। अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया, लेकिन जो ग्रोस रेवेन्यू था दोस्तों इनका वो बड़ा है। अब बात करते हैं दोस्तों जियो के सब्सक्राइबर जो ग्रोथ था वो अगर मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाए, जो ग्रोथ था सब्सक्राइबर बेस का वो 5.4% के हिसाब से मंथली बेसिस पे बड़ा है। उसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों कि जियो के जो प्लान आते हैं चीप आते हैं, सस्ते आते हैं, सस्ता डेटा आता है, अनलिमिटेड कॉलिंग्स देता है, और जो जियो का बजट फोन है दोस्तों जियो फोन 1 की बात करो स्पेशली तो वो अच्छा खासा चला, उसके हिसाब से उसके सब्सक्राइबर बढ़े हैं। गांव गांव में दोस्तों फोन बिका जा रहा है। मैंने बीच में एक न्यूज भी बताई थी आपको, जैसे कि राजस्थान के अंदर फ्री में सबको फोन बांटे जा रहे हैं जियो फोन 1 दोस्तों, इस हिसाब से उसका सब्सक्राइबर बेस ट्रेमेंडसली दोस्तों आगे बढ़ा है। सबसे बड़े रीजन ये है दोस्तों उसके फोन और उसके सस्ते प्लान 49 रुपीज के, जो कोई भी बीट नहीं कर पाता। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी कंपनी की, तो यहाँ पे दोस्तों अगर कंपनी की कैलकुलेशन की जाए कि फोन कितने परसेंट का मार्केट शेयर रखता है, तो यहाँ पे भारत संचार निगम जो हमारी बीएसएनएल है दोस्तों और आइडिया सेल्यूलर की बात कर ली जाए दोस्तों, ये सब जो है दोस्तों मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि ये लोग जो है दोस्तों 0.6% से लेके 1.6% के यहाँ पे दोस्तों इनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ हुई है। कोई खास ग्रोथ नहीं बोली जाती क्योंकि इनके सामने जो जियो है दोस्तों वो
20.5 से लेके 19.6 मतलब ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ दोस्तों इनका है। अगर बात कर लिया BSNL की और आईडिया की तो यहाँ पे 0.6 से लेके दोनों का 1.6% का ग्रोथ है दोस्तों, सब्सक्राइबर बेस की बात यहाँ पे चल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों वोडाफोन इंडिया की बात कर ली जाए, आइडिया सेल्यूलर जो है दोस्तों अगर टोटल बात ओवरऑल मार्केट में इनकी कवरेज जो है दोस्तों दोनों की अगर देखा जाए सब्सक्राइबर बेस तो दोनों का टोटल मिला के 37.9% होता है, मतलब ऑलमोस्ट 38% इनका होता है लेकिन दोनों कंपनी को मिला के, लेकिन जियो इकलौता अच्छा खासा मार्केट कैप रखता है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों जुलाई 2017 की बात कर लीजिए तो दोनों जो है वोडाफोन आइडिया इनका दोस्तों 33.8% का दोस्तों सब्सक्राइबर का मार्केट था दोस्तों यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे सारी की सारी कंपनी कुछ ना कुछ नया कर रही है दोस्तों, अच्छा खासा दोस्तों इनका मार्केट है। और जियो ने दोस्तों एक अच्छा खासा काम किया यहाँ पे, जियो ने मार्केट को लीड किया दोस्तों यहाँ पे। सबसे बड़ा रीजन जो है जियो को नंबर वन बनने का दोस्तों, जिसने आइडिया एयरटेल वोडाफोन और BSNL जैसी कंपनी को पीछे कर दिया सब्सक्राइबर बेस के अंदर दोस्तों। और पर अगर बात कर लीजिए हर क्लाइंट पे कितना कमाते हैं दोस्तों उसके अंदर हर चीज में, क्योंकि जियो के प्लान रिन्यू भी हो रहे हैं मोस्टली, जितने भी जो कंपटीटर्स है दोस्तों उनको खाली इनकमिंग के लिए ज्यादातर रखा जाता है अगर वो अच्छी सर्विस नहीं देते, लेकिन जियो की जो सर्विस है वो लोगों को सस्ती भी पड़ती है और उसके चीप प्लान भी आते हैं, इसलिए लोग उसको रिन्यू भी कराते हैं बार बार रिचार्ज, इसलिए वहां पे जो पर क्लाइंट जो उनकी इनकम होती है वो दूसरों से ज्यादा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक गुड न्यूज जहां पे जियो ने दोस्तों बाजी मार ली, जियो दोस्तों यहां पे अच्छा खासा नंबर्स के साथ पास हुआ दोस्तों, चारों कंपनी को बीट करते हुए जियो नंबर वन बना दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये न्यूज अच्छी लगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक थम्स अप जरूर देना। इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज टेलीकॉम रिलेटेड हम सबसे पहले हमारे चैनल टेक्नो न्यूज पे लाते हैं, तो प्लीज पहली बार हमारे नए चैनल पे आए पहली बार हमारा वीडियो देख रहे तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नो न्यूज फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही दोस्तों आपको दिखेगा एक घंटी का बटन, उसको जरूर दबा देना क्योंकि उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो डालूंगा मेरे चैनल पे सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।